whatever coming on Facebook, whatever coming on social media, that's all wrong. I've been there myself. If you can have any concern, please come and open on air right now. This is your choice. This is your chance to speak about right and wrong. So we're going to short break. Enjoy the new offer from Leica Mobile. Call India Landlines and Mobiles for just 1p a minute with any top-up. Also, get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Terms and conditions apply. Pujaniya Giri Bapu ke sanidhya mein Shiv Katha ka vishal ayojan. DLC Hall, लोहान सेंटर, ब्रेम्बर रोड, साउथ हैरो। दिनांक 17 मई से 22 मई तक रोज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। और अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें अश्विन पटेल 07949888226। किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है। खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल, किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल METV पर। अरिजीत सिंह जो यंग जनरेशन है उनको बहुत चाहता है। अरिजीत इज अ फैंटास्टिक सिंगर, दैट इज व्हाई ही इज नंबर वन टुडे। अरिजीत एक बहुत ही मंजा हुआ कलाकार है, बहुत टैलेंटेड सिंगर है, मुझे बहुत पसंद है। अरिजीत सिंह, लॉट्स ऑफ लवली म्यूजिक इन द फ्यूचर, लॉट ऑफ ओरिजिनल म्यूजिक। एंड अरिजीत, ऑल द बेस्ट टू यू। आई थिंक यू हैव अ फैबुलस वॉइस एंड गिव अस अ ब्यूटीफुल मेलोडी। क्या गाया अरिजीत भाई, अरिजीत वी लव यू। इट्स अ रॉक ऑन म्यूजिक प्रोडक्शन, ट्रैवल पार्टनर एयर इंडिया। It's a Rock On Music production. Excuse me, car collectors. I could save you money on your car insurance. Yeah, mate. Come get a quote on this one. Lead the way. Ooh, head rush. Might get a few quid for the circuits. Melt the rest down. Ouch! Help! Anyone? Help, Brian! Help, Brian, helping Brian. Once again, welcome to the show. You're watching Forget a Minority of Pakistan with Rubel Gulzar. आज का प्रोग्राम जो स्पेशल है, हम बातचीत करें पाकिस्तानी क्रिश्चियन सफरिंग इन थाईलैंड वाइल दे सीकिंग असाइलम। अभी हमें जुवेद भट्टी साहब ने फेसबुक पे एक मैसेज किया। जुवेद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, जर्मनी से आपने मैसेज किया कि वहाँ पे जो उनके जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया है उनकी डेट्स बहुत उनको लंबी दी जा रही हैं UNO की तरफ से, इंटरव्यू की डेट। तो भट्टी साहब, ये मैंने भी क्वेश्चन UNO को जब हमने इंटरव्यू किया, आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा टेलीफोन इंटरव्यू उन्होंने किया था, ये सवाल उनसे पूछा था। वो कहते हैं कि उनके पास लॉक बैक बहुत ज़्यादा है, बल्कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियन ही सालम सीखने का रहे, बहुत सारे अहमदीज जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं और कुछ हिंदूज़ भी हैं, तो इसीलिए उनके पास काफ़ी लॉक बैक है इसका। तो उनसे भी हमें इस चीज़ का जवाब नहीं मिल सका, तो विल ट्राई आर बेस्ट, वी कैन राइट टू देम बैक अगेन। और बल्कि ये कोई जर्नलिस्ट या कोई रिपोर्टर या कोई मीडिया नहीं, ये हर एक शहरी का राइट है कि वो आप UNO को ये लिख सकते हैं कि ये मेरा कंसर्न है। यू कैन राइट दम लेटर दम सेल्फ कि हमारी कम्युनिटी या हमारे कुछ लोग वहाँ इस तरह फंसे हुए हैं, उनको इतनी इंटरव्यू की डेट्स जो है वो क्यों देर देर से मिल रही है। जब मैं वहाँ था तो लोगों ने मुझे बताया कि किसी को डेट इंटरव्यू की मिली है 2017 की, 2018 की, 2016 की। तो दोस्तों, अब ये वक्त है कि हम उन लोगों की सपोर्ट करें। तो प्लीज़ कम ऑन एयर एंड शेयर योर कंसर्न एंड शो योर सपोर्ट, हाउ यू कैन सपोर्ट पीपल पाकिस्तानी क्रिश्चियन इन थाईलैंड वाइल दे सफरिंग, वाइल दे सीकिंग इन असाइलम। तो आप जैसे मैंने उनको बताया उनकी नीड है कि हाउ दे कैन सर्वाइव, बिकॉज दे कांट वर्क,
because they don't have a visa, they don't have work permit, and उनको जो UNO एक letter देती है इनके Thai government भी उसको recognize नहीं करती. जब वो कहीं immigration या police वाले उनको पकड़ते हैं, उनको पूछते हैं कि show your ID, वो letter दिखाते हैं, so they refuse, they don't recognize that letter even they have. तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा कि उन्होंने थाईलैंड ही क्यों या बैंकॉक या क्यों ही चूज़ किया कि वहाँ क्यों गए. तो ये भी एक एक अच्छा सवाल है जब भी उन्होंने सोशल मीडिया, लेकिन इसका जवाब जो मेरी समझ के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान में जब किसी को किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे दूसरी हो, तो ईजी वे टू स्केप या तो श्रीलंका है या थाईलैंड है. तो अब जब किसी की जान पर बनी होती है तो सबसे पहले उसको जो भी जल्दी से कोई डेस्टिनेशन नज़र आती है तो वो उनमें से थाईलैंड ही है मेरे दोस्तों. तो ये एक थाईलैंड के भी हम ये जिक्र कर रहे हैं. इसी तरह मलेशिया में बहुत सारे जो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं. जब मैं माइनॉरिटीज़ की बात करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाकिस्तानी क्रिश्चियन, एज इज इंक्लूडिंग हिंदू, इंक्लूडिंग सिख, इंक्लूडिंग अहमदीज, दे आर ऑल सफरिंग इन पाकिस्तान मैनी 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 ईयर्स एज वी नो. तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले यूहन्नाबाद में जो बम ब्लास्ट हुए, तो हमारे साथ एक कॉलर है, उनको वेलकम करते हैं शो पे. हेलो, वेलकम टू द शो. हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, मैं रफीक गोरी बोल रहा हूँ जर्मनी से. जी रफीक साहब, वेलकम टू द शो. जी, मैंने पूछना था कि ये कितनी फैमिली क्रिश्चियन फैमिली है उधर थाईलैंड में अभी. देखिए, जो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक वो है 4000 के करीब फैमिलीज हैं, लेकिन ये कि ये सही फिगर नहीं है. हमने यूएनओ को भी पूछा था, उन्होंने भी हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया. तो वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने भी एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया, जब उनको यूएनओ को नहीं पता कि वहाँ पे एग्जैक्ट फिगर क्या है. तो ये जो डिफरेंट मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक या हमें लोकल चर्च ने जो रिपोर्ट दी है उनके मुताबिक 4000 फैमिलीज हैं क्रिश्चियंस, सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस. ठीक है, ये हाँ पाकिस्तानी क्रिश्चियन, बेशक वहाँ पे अहमदीज भी हैं वो जो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद हमें नहीं पता. लेकिन ये कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन 4000 फैमिलीज हैं, और ये जो हमें लोकल चर्च ने बताया और जो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे इतने लोग हैं. जिन लोगों को हम मिल सके तकरीबन कोई 1500-1600 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे डिफरेंट वक्त में हम जाके मिले, और उनमें से बच्चे भी हैं, उनमें से सीनियर सिटीजन भी हैं, और मेल और फीमेल. तो इनकी बहुत सारी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं. तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया. आप क्या आपने ये रिपोर्ट भी देखी जो कि अभी हमने चलाई, तो आप क्या सोचते हैं हाउ वी कैन हेल्प देम? We can help them, but we need money, isn't it? Uh-huh. Yeah, and I think we can do something. We'll let you tell. I mean, आपको बताएंगे कि कैसे हो सकता है. देखें, फिक्र तो बहुत है. जी. तो कुछ ना कुछ करना होगा हमें. देखिए, मेरे हाथ से कुछ ना कुछ करना होगा, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त अभी करना होगा, कल नहीं. और ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि मैं जब वहाँ से निकला तो आई वाज टोटली शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन कि इतना वो पहले ही वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ पाकिस्तान से निकले और अब थाईलैंड में आके फंस गए, और उनकी हालात इतने ख़राब हैं कि जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे इधर उधर से खबरें मिल रही हैं, मैं उसको चैलेंज करता हूँ. जो लोग भी कह रहे हैं कि दे आर हैप्पी, दे सर्वाइविंग, दैट्स टोटली रॉन्ग. पीपल आर सफरिंग देयर. जो उनके पास सेविंग थी वो सेविंग. आपका जो प्राइवेट टेलीफोन है जो आपकी जमात है. हेलो. जी जी. ये डिस्प्ले करेंगे वो आप अपना. अच्छा, आप अपना नंबर स्टूडियो में छोड़ दीजिएगा और मैं जरूर आपको उसके बाद आपको फोन करके अपना नंबर दे दूंगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी भाई ने पूछा जर्मनी से कि ये वहाँ पे कितने लोग हैं, तो ये जो 4000 हमने रिपोर्ट किए, ये 4000 फैमिलीज जो हैं, इनमें से किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं. तो ये जो फिगर है, मैंने ये खुद भी यूएनओ से भी पूछा था, उन्होंने भी हमें एग्जैक्ट फिगर इसका नहीं बताया था, क्योंकि बेशक उनके पास भी जितने भी अभी सालम्स केस रजिस्टर्ड हुए हैं शायद उनके पास भी वो नंबर नहीं है. और मैं अगर कोई भी बंदा कहता है कि मैंने आज सुबह एक वीडियो देखी फेसबुक पे,
किसी साहब ने किसी का इंटरव्यू किया और वो थाईलैंड से आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी थाईलैंड उनके लिए रॉन्ग प्लेस है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जब किसी की जान पर बनी होती है वो ये नहीं देखता कि राइट प्लेस है या रॉन्ग प्लेस है, वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी जा सकता है। तो आई थिंक सो दिस इज़ अ राइट टाइम एंड वी शुड सपोर्ट देम और नॉट टुडे टुमारो वी हैव टू सपोर्ट नॉट टुडे राइट नाउ। तो प्लीज़ अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने चर्च में या कहीं भी आप इस बात को शेयर कर सकते हैं उन फैमिलीज़ के लिए। तो मैंने जब भी शो किया फॉरगॉटन मिनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, मैंने कभी भी आप लोगों को अपील नहीं की। इस वक्त मैं ये सपोर्ट करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कोई ऐसा हल फॉरम देखा जाए कि हाउ वी कैन सपोर्ट दोज फैमिलीज़। और अभी एक टीम और यूके से दोबारा वहाँ पर जा रही है, आई होप दे कैन मेक समथिंग डिफरेंट। और अभी पीछे आसिफ माल जो पीएमआर के चेयरमैन हैं वो भी गए थे और वो भी आज उन्होंने शो पे आना था लेकिन इस वक्त वो यूरोप में हैं, तो वो भी नेक्स्ट शो पे मेरे साथ आएंगे, वो भी अपनी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या देखा। इसी तरह अभी विल्सन चौधरी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं वो भी वहाँ थे, उन्होंने जितनी भी हो सकी, मैंने उनके अभी फेसबुक पे पढ़ा, उन्होंने उनके फेसबुक पे मुताबिक उन्होंने 1,400 pounds वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं खुद जाके। तो ये भी अच्छा किया है, चाहे उन्होंने ज़्यादा किया है या थोड़ा किया लेकिन कर रहे हैं। वंस अगेन मैं आप बिल्कुल एक्नॉलेज ओवर एंड ओवर मैं कहना चाहूँगा फर्क फाउंडेशन को, दे डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। वहाँ पे वो लोगों की बेलें करवा रहे हैं और एक बेल का वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इक्वल टू नीली 1,000 pounds वो जो बेल का भर रहे हैं। तो एक बंदा लगा हुआ वहाँ पे, उनका छोटा सा कारोबार है, उस कारोबार से वो निकाल के वो दे रहे हैं। और पापा थॉम चाय जो थाई पास्टर है वो एक पाकिस्तानी चर्च को उनको इकट्ठा करता है, उनको बेचारों को लेके आता है, छोड़ता है, जितना भी उनको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन नाउ दे नीड आर हेल्प। प्लीज़ कम ऑन एयर एंड शेयर योर कंसर्न और शेयर योर व्यू हाउ वी कैन सपोर्ट people who are suffering in Thailand, especially Pakistani Christian who are seeking asylum. And while they're seeking asylum, they are treated like a criminal. So, एक और वहाँ पे बात ये बहुत चल रही है कि ये कुछ लोग इस तरीके से आए हुए हैं कि इन्होंने वहीं पे जो लोग हैं उनसे वो थोड़े बहुत जो उनकी सेविंग थी लेके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनको चीट कर रहे हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा देते हैं, ये कर देते हैं। मैं उनको भी कहूँगा कि अगर आप ये शो देख रहे हैं खुदा का वास्ता है प्लीज़, वो तो पहले ही अपनी जान बचा के वहाँ से निकलें और जो उनके पास सेविंग थी वो भी आप लोगों ने लूट ली, तो प्लीज़ इसको लूट मार को भी बंद किया जाए। और मेरे दोस्तों के जो यूके और यूरोप में कहीं भी इस शो को देख रहे हैं आप, तो प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, वी नीड दम टेक एक्शन नाउ एंड दे नीड आर हेल्प नाउ। देखें जब भी कोई बात होती है तो हम दुआ करते हैं, दुआ करना भी अच्छी बात है लेकिन मेरे ख्याल से दुआओं से काम ज़रूर होता है लेकिन अब हमें एक्शन की भी ज़रूरत है। और आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज 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 डू समथिंग राइट नाउ। तो अभी हम एक और ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आई होप के तब तक आपको भी सोचने का मौका मिलेगा कि हम किस तरीके से उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। शॉर्ट ब्रेक। Enjoy the new offer from Leica Mobile. Call India Landlines and Mobiles for just 1p a minute with any top-up. Also, get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Terms and conditions apply. पूजनीय गिरि बापू के सानिध्य में शिव कथा का विशाल आयोजन, DLC Hall, Lohan Center, ब्रेम्बर रोड, साउथ हैरो, दिनांक 17 मई से 22 मई तक, रोज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। और अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें अश्विन पटेल 07949888226। किस्मत कब क्या करेगी किसको पता है। खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल METV पर। अरिजीत सिंह जो यंग जनरेशन है उनको बहुत चाहता है। अरिजीत इज अ फैंटास्टिक सिंगर, दैट इज व्हाई ही इज नंबर 1 टुडे। अरिजीत एक बहुत ही
मंजा हुआ कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, मुझे बहुत पसंद है। अरिजीत सिंह, लॉट्स ऑफ लवली म्यूजिक इन द फ्यूचर, लॉट ऑफ ओरिजिनल म्यूजिक। एंड अरिजीत, ऑल द बेस्ट टू यू, आई थिंक यू हैव अ फैबुलस वॉइस एंड गिव अस अ ब्यूटीफुल मेलोडी। क्या गाया अरिजीत भाई, अरिजीत वी लव यू। इट्स अ रॉक ऑन म्यूजिक प्रोडक्शन, ट्रैवल पार्टनर एयर इंडिया। It's a Rock On Music production. Excuse me, car collectors. I could save you money on your car insurance. Yeah, mate. Come get a quote on this one. Lead the way. Ooh, head rush. Might get a few quid for the circuits. Melt the wrist down. Ouch. Help. Anyone? Welcome back to the show. You're watching for Getting Out of Pakistan with Ramil Guzar on MATV Sky Channel 793 and worldwide. अभी हमने दोबारा शॉर्ट ब्रेक दिल्ली से क्यों ले ली, क्योंकि काफ़ी सारे फेसबुक मैसेज आए थे। सबसे पहले मैं यूसुफ गौरी साहब को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी आपने स्पेन से हमें मैसेज किया है कि जी रोमेल गुलजार साहब शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और आपने ये ही सवाल रखा है कि उन लोगों को इतनी देर से उनके इंटरव्यू की टाइम क्यों नहीं क्यों मिल रहा है। अब गौरी साहब, ये जो क्वेश्चन है, ये जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये हमने यूएनओ को ये क्वेश्चन किया था, आपने जैसे देखा है कि टेलीफोन इंटरव्यू हमने उनका किया था, ये सवाल हमने पूछा था कि वाई कि दो दो तीन तीन साल तक आप उनको डेट दे रहे हैं साल की। उनका ये कहना है कि वी गॉट सो मैनी पीपल इन थाईलैंड, सो ये एक लॉन्ग पैक है और इसमें क्यू में है। तो अब ये भी सवाल उनके बाद पूछा था कि अगर इनको इतनी देर का टाइम मिलता है तो उसका हल क्या है, उन बेचारों के पास काम करने की परमिशन नहीं है, तो हाउ दे कैन सर्वाइव, ये किस तरीके से अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं। तो गौरी साहब, ये क्वेश्चन या किसी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है या किसी जर्नलिस्ट की, लेकिन ये आप खुद भी अपने बिहाफ पे यूएनओ को लिख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये मेरा कंसर्न है, और आप स्पेन में, जिनेवा में या थाईलैंड में उनको ईमेल कर सकते हैं या लेटर डाल सकते हैं कि ये इस तरह क्यों है। तो प्लीज़ मेरे ख्याल से हमें किसी मीडिया का या किसी जर्नलिस्ट का वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो आप खुद भी इस चीज़ को उठा सकते हैं, वाई नॉट, क्योंकि जब आपके पास एक राइट्स हैं। और हमें कमेंट्री से मरियम ने हमें एक ईमेल की है कि वो कहती है कि वो जो वीडियो चलाई थी उसको दोबारा चला दें। मरियम, विल ट्राई आवर बेस्ट, कि आपने कहा कि मैंने आधी देखी है, तो विल ट्राई बेस्ट इफ़ आई कैन बिफोर द शो आई कैन प्ले वंस अगेन। तो और हमें जवेद कामरान, और ये हमें यूएसए से देख रहे हैं, वेलकम टू द शो। और जवेद साहब, यस, मैं आपने भी मेरा नंबर मांगा है, मैं आपको इस शो के बाद फेसबुक पे मैसेज कर दूंगा, लेकिन ये मेरी एक प्रॉब्लम है, जो आपने सवाल पूछा इस फेसबुक में वो मैं ऑन एयर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी दूसरी कम्युनिटी या किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिशियन के बारे में या किसी गवर्नमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो उनको भी वो यहाँ पे मेरे साथ फ़ोन पे हो या मेरे साथ स्टूडियो में हो, तो उनको भी राइट हो कि वो भी अपनी साइड की स्टोरी बता सकें। जो आपने पूछा, मैं ज़रूर उस पर आपसे डिस्कस करूँगा, फेसबुक पर आपको ज़रूर मैसेज करूँगा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैं ऑन एयर आपका सवाल ना ले सकूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो शो है, मैं जब भी कभी शो करता हूँ एमी टीवी पे, फॉरगेट एंड मिनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, काफ़ी हमने एपिसोड्स किए, हमने हमेशा डिस्कस की कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है वो सफ़र कर रही है, उसका हल क्या है। तो लेकर आज के प्रोग्राम में स्पेशली ये डिस्कस कर रहे हैं, जो अगर आपने अभी अभी शो ज्वाइन किया है, अभी देखना शुरू किया है, तो पाकिस्तानी क्रिश्चियन थाईलैंड में जो सफ़र कर रहे हैं, जो कि साइलम जिन्होंने अप्लाई किया था, तो लाइक विद ट्रीटिंग लोकल अथॉरिटीज लाइक ए क्रिमिनल, तो उनकी जो इश्यूज़ हैं, एक तो उनको डेट्स 2017, 2018, 2019, 2016, 2000 की मिल रही हैं, तीन तीन चार चार साल के पीरियड में। तो वाइल जब वो सीकिंग असाइलम, उनको एक लेटर तो मिल जाता है, लेकिन उस लेटर की कोई हैसियत नहीं है, और उसको ना तो लोकल गवर्नमेंट मानती है, ना उसकी इमिग्रेशन मानती है, ना लोकल अथॉरिटीज़। तो जब उनको कहीं भी वो रोका जाता है या वो शॉपिंग करने जाते हैं, तो उनको पकड़ लेते हैं, तो या उसके बाद उनका हल रह जाता है
या उनको जेल में डाल दिया जाता है या IDC में डाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो कुछ जमानत दे के, यानी कि पैसों की जमानत दे के कोई ना कोई बंदा उनको छड़वाता है, और उनके लिए इतना आसान नहीं है कि, बल्कि वो इतना डरते हैं कि बाहर जाके वो शॉपिंग भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कुछ बच्चों के लिए दूध लेना है तो वो किसी थाई को ढूंढते रहते हैं या ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिसके पास वीज़ा है, वो जाके वहाँ से शॉपिंग करे और घर में लाए। और मैंने ये देखा और इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग, आई कांट इवन टेल यू एवरीथिंग ऑन एयर, कि जब हम वहाँ पे थे लोग एक छोटा सा दूध का पैकेट है और उसके अंदर इतना पानी डाल के तो बच्चों के लिए सर्वाइव करते कि भाई ये ख़त्म हो गया तो शायद हम दोबारा नहीं ले सकते। तो आज सुबह मुझे एक फ़ोन कॉल आई था बैंकॉक से, वहाँ के लोकल पास्टर से, कि वो वरीड थे कि हर संडे वो उनको लंच देते हैं, कि आज उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वहाँ वो उनको लंच करवा सकें। तो भाई मेरे दोस्तों, ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग यू टुडे, प्लीज़ टेक एक्शन नाउ एंड डू हेल्प देम, कम ऑन एयर, शेयर योर कंसर्न, और जो भी आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग बता देते हैं कि जी हम उनके लिए दुआ करें, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन यह कि अभी उनको हमारी फाइनेंशली ज़रूरत है, फाइनेंशली का हम उनकी आवाज़ कैसे रेज कर सकें। बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि जी वहाँ वो लोग काम कर रहे हैं कुछ, अगर वो 4,000 में अगर इक्का दुक्का काम भी कर रहे हैं भाई, और वो भी डरते रहते हैं क्योंकि वो उनके पास काम करने की इजाज़त नहीं है, और इवन के वो बसेस में, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि थाईलैंड में हम किंग का, उनके किंग का शुक्रिया करते हैं कि वो फ्री है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे वो हमारी जो कम्युनिटी के या पाकिस्तानी क्रिश्चियन जिन्होंने इस वक्त साइलेंस के लिए बैठे हुए हैं, वो बसों पे ट्रैवल नहीं करते, वो डरते हैं कि शायद वहाँ से हमें कोई ना कोई, जब बस स्टॉप पर खड़े होते हैं कोई इमिग्रेशन या पुलिस वाला उनको पकड़ ना ले। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जो वो इस वक्त फेस कर रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस वक्त जब वो जो बसर कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को डाल के देखें तो इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी 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 चैलेंजिंग। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज हम यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उनका भी, कुलदीप साहब का भी, उन्होंने हमें ये टाइम दिया कि आएँ इस इशू को रेज़ किया जाए, इशू को डिस्कस किया जाए। तो मैं अब आप लोगों की सपोर्ट चाहता हूँ, डजेंट मैटर विच कम्युनिटी यू बिलोंग फ्रॉम, प्लीज़ कम ऑन एयर एंड हेल्प देम एंड शेयर योर कंसर्न, शो योर सपोर्ट, पीपल आर हु सफरिंग इन थाईलैंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड स्पेशली क्रिश्चियंस एंड अहमदीज। सो देयर्स अ लॉट ऑफ इशूज, lot of issues in Pakistan people are facing minorities, but that we will discuss in another program as you guys all know. So abhi ek aur dost ne mujhe text message kiya ki yaar main help karna chahta hu, mujhe ye nahi pata kis tarike se help kare. Bhai maine aapko kaha ki aap apne local church se, apni local community se baat kare, local charity se baat kare, unke ke specially main ye help karna chahta hu aur ye funds jo hain wo main jo Pakistani Christian suffer kar rahe hain Thailand unke liye, और उनका जो लाइफस्टाइल है, अगर आप उनको एक सौ पाउंड भेजते हैं तो वो पूरा एक महीना खाना खा सकते हैं। तो प्लीज़ कम ऑन एयर एंड शो योर सपोर्ट। और मैं ये हैरान हूँ कि पूरे सोशल मीडिया पे ये बड़ा डिस्कस हो रहा है और इस वक्त आज अभी तक इतनी कॉल्स नहीं आई, और आपका आप ये मैं मानता हूँ कि आप लोग दर्द रखते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू सी कम ऑन एयर एंड शो योर सपोर्ट, एंड इट्स नॉट आई एम नॉट सेइंग इज़ नॉट ईजी, नॉट ईजी, but I think so we can all, if we come together we can do that. तो अभी हम वही वीडियो दोबारा चलाएंगे, अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, एंड मरियम स्पेशली फॉर यू, एंड आई होप यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन सपोर्ट दैम। वीडियो इज रेडी नाउ एंड वी millions of tourists flock to Thailand every year, lured by the sandy beaches and natural beauty. The capital, Bangkok, is one of Asia's most vibrant cities, but what holidaymakers don't see is the harsh reality enjoyed by so many on a daily basis. Shackled like criminals, these are Pakistani Christian asylum seekers. 16-year-old Zarish Gill is one of 4,000 Pakistani Christians asylum seekers in Thailand. Almighty God, I pray for all the asylum seekers struggling in Thailand. Her family fled Pakistan because they lived in constant fear of their lives. Minorities there are targeted by hardline Muslims because of their faith.
Sarish now lives in Bangkok with her parents. I miss my friends. I miss them a lot, especially my best friends. They play, they laugh, they share their feelings. I actually miss that, miss those moments. Here, I've made many friends, and they're so heart-touching friends. They care a lot. They remind me of my previous friends. But still, I miss my friends, my families, our traditions, our gigglings and our mischiefs and many other things. This local Thai church plays an important role in the lives of asylum seekers here in Bangkok. They come to pray and support each other. They share a simple dream to live in freedom. Munir Bashir told Pukhar News he and his family came to Thailand from Pakistan for protection. He said he was frightened for their safety. So much problem for the Christian. Recently we have also heard about the problems and Christians are burned there and they have to killed in our school. Children have to kill also. So now we are in Thailand and we are asked to UNHCR for asylum. And now we are waiting for what UNHCR do for us. In Pakistan, Christians are despised by extremists. Here in Thailand, many like Munir end up being arrested and locked up inside the Immigration Detention Centre, known as the IDC. He spent 7 months inside with his wife and two children, and he said the conditions were horrific, cramped, dark and hot. My IDC experience is so much bad, I can't explain it, because when I see my children there in IDC, I can't explain this. Because they are in prison and they have nothing. We spent 7 months in IDC, but still my daughter have to face some problem. Flu, khansi, a cough, and she has still a skin problem. We talked to doctor many times, but they don't give any proper treatment. In one room, I am telling you, there are 58 Christians, and other nations are also there, Sri Lankans, Bangladesh, and Pakistan, Muslim, Ahmadis, because they are also persecuted there. This is the merciful fruit from King David to Jonathan. Francis Sandhu arrived in the capital a year ago. A road accident left him with serious injuries to his leg and he struggles to walk. Francis was a successful businessman in Pakistan but suffered daily threats for 5 years. But an encounter with a stranger was the final straw. He decided enough was enough. A person came at my home and threatened my son. Give us 20 lakh rupees. If you not give, we'll kill you, we'll threat you. I feel that. I was bearing all the things on my behalf, myself. But now it's come upon my children, so I cannot bear that. So must I have to leave my country because it's come upon my children now. So I cannot bear the loss of any children. Because of that, I left my country. Francis thought coming to Thailand would help to transform his life. But like other asylum seekers, he's struggling to survive. We cannot work here because we have no visas. If we don't have visa, we cannot work, we cannot do job. How can we welfare our family? How can we survive? If we do not have job, if we don't have work, how can we survive? How can we pay our house rent? How can we pay? How can we afford our food expenditure? Farooq Saif is a businessman who runs a group that supports asylum seekers in Thailand. It's helped countless people who've been arrested and provided them with food and essential items. He believes more needs to be done by the authorities. The international community has to put pressure on Thai government to not to arrest the asylum seekers, because asylum is not a crime. It is a right of any individual or a family or a group. Pukhar News spoke to a spokesman from the United Nations High Commissioner for Refugees, who said the UNHCR goes to great lengths to assist those who are seeking asylum, and they have to be strict in recognising who is a genuine refugee and who is not. So what the UNHCR tries to do is to give
give asylum seekers and refugees certificates or documents to say that these are people of concern to UNHCR. They should not be arrested or detained. UNHCR has tried to speed up registration so that at least people will have asylum seeker certificates in their hands that they can show to the Thai authorities if they're ever stopped on the streets. It means that there is now a long waiting time for the next step, which is to interview and determine if somebody is a refugee. There is a danger if we speed it up too much, then the whole process, the integrity, could be compromised. These children are unable to go to school like other youngsters. Instead, they play and learn with their parents. Sarish would